प्रेमी किसी और से फिर लेने की तैयारी कर रहा था कि बाहर आकर उसकी प्रेमिका उसे बाबू सोना पुकारती रह गई। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर में एक निजी मैरिज गार्डन में प्रेमिक शादी समारोह में पहुंचकर एक प्रेमिका ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामा होता देख मैरिज गार्डन के गेट को बंद कर दिया गया और युवती बार बार अपने बाबू सोना कहकर रोते हुए अपने प्रेमी दुल्हे को पुकारती रही। वह बार बार गेट को धक्का देती रही, लेकिन गार्ड ने और युवक के परिवार वालों ने उसे वहाँ से हटा दिया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक मैरिज गार्डन के बाहर प्रेमिका का हंगामा चलता रहा। इसके बाद हंगामे की सूचना पर कोतवाली थाने से महिला एसआई सरदार राजपूत और पुलिसकर्मी मैरिज गार्डन पहुँचे। उन्होंने युवती गाड़ी में बैठा कर हंगामा करने की वजह जानी। इसके बाद युवती ने कहा कि प्रेमी और वो करीब 3 साल से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। अब उसने बिना बताए चुपके से किसी और से शादी कर ली। युवती कहना है कि दोनों करीब 3 साल से पति पत्नी की तरह रह रहे थे। प्रेमी से पूछती थी कि तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली है, तो वह कहता था कि शादी किसी और से नहीं करूँगा, लेकिन चुपके से उसने गुरुवार रात को शादी कर ली। इसके बाद एसआई ने युवती से कहा कि कार्रवाई करना चाहती हो तो शिकायत करो, लेकिन युवती ने एफआईआर या किसी भी प्रकार की शिकायत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती अपने परिचित युवक के साथ बाइक से भोपाल लौट गई। बता दें कि युवती मूल रूप से कानपुर की रहने वाली है और जिस युवक की शादी में उसने हंगामा किया वो होशंगाबाद ज़िले के एक गाँव का रहने वाला है और दोनों भोपाल में किसी निजी कंपनी में काम करते थे। इस प्रकार मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मैरिज गार्डन में फेरे लेने की तैयारी कर रहा था, एन वक्त पर उसकी प्रेमिका उसे बाबू सोना पुकारती रह गई। इसके बाद उसकी प्रेमिका ने मैरिज गार्डन के बाहर करीब आधे घंटे हाई प्रोफाइल ड्रामा करा। युवती का आरोप था कि हम 3 साल से करीब पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। इसके बाद पुलिस युवती को पकड़कर थाने ले गई। क्या फोटो भैया?